इस वक्त मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान में सांसद बरेली के संतोष गंगवार जी की बेटी श्रुति गंगवार जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लगातार भ्रमण कर रही हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में, तो किस तरीके का माहौल है? मैं सभी जो ये आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, माहौल बहुत अच्छा है, हमें अपार समर्थन मिल रहा है, जन जन तक हमारी योजनाओं का जो लाभ है वो पहुँचा है, इसलिए हमें अपार उत्साह और समर्थन जनता के बीच देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मुझे पूरी विश्वास है कि हर विधानसभा में भाजपा बहुत भारी मतों से विजयी होगी। 17 के मुकाबले में 22 कठिन होने वाला है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ कठिन और मुश्किल और आसान का तो बात ही नहीं है, हम लोग काम करते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं, और ये चुनाव ही है जो हमने जो विकास में निरंतरता की तरह और जो कानून व्यवस्था जितनी अच्छी उत्तर प्रदेश में हो गई है उसकी निरंतरता की तरह, तो जनता को ये सब पता है, तो इसमें कुछ मुश्किल और आसान की बात तो है ही नहीं, हम सब मेहनत कर रहे हैं और हमें पता है कि हमको हमारे को 14 तारीख को बहुत भारी मतों से मतदान होगा हमारे पक्ष में। जानना चाह रहा हूँ समाजवादी का कार्यकाल और भाजपा के कार्यकाल में अंतर क्या सामने है? देखिए अंतर तो आप मैं गिनाऊं तो टाइम कम पड़ जाएगा, सबसे अगर मैं मुख्य बिंदु पे बात करूं तो एक तो कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था आप यहाँ हमारे योगी जी के शासन में देख रहे हैं 2017 से, और हमको पता है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम कहें पहले गुंडों और माफियाओं का किसका शासन था, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, हर किसी को पता है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी के ने उस काम को आगे बढ़ाया है, तो फर्क सबको साफ दिख रहा है। आर्य जी के समर्थन में क्या कहना चाहेंगी इस विधानसभा की जनता से? मैं यहाँ इस विधानसभा की जनता से एक ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि जो विश्वास और समर्थन उनका हमें हमेशा से प्राप्त है, ऐसा ही बनाए रखें और 14 तारीख को भरपूर मात्रा में जाएं, अपने मत का प्रयोग करें, ये बात मैं हर जगह कहती हूँ, सब लोग 14 तारीख को जाएं, मतदान वाले दिन सबसे पहले जाके वोट करें और भाजपा के पक्ष में मतदान करें। मैडम उस समय पहले आपके नाम की चर्चाएं चल रही थी कि विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगी, फिर MLC के चुनाव की चर्चा चल रही थी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है, मैं यहाँ आई हूँ अपने आर्य जी का चुनाव लड़ाने, हर विधानसभा में जाकर हम ये अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए मैं दिल्ली में काम करती हूँ, 15 दिन मैं कहकर आई हूँ, मैं आ रही हूँ, जितनी मेहनत कर सकती हूँ वो करूंगी, सरकार की योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाऊंगी। बरेली की जनता का बहुत प्यार मेरे परिवार के साथ में है और मैं उसका बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बरेली की जनता ये भी जानना चाहती है आपकी राजनीतिक पारी कब से शुरू होगी और कौन सा पद आप चुनाव? बस अभी हम चुनाव की बात कर रहे हैं, 22 की बात कर रहे हैं सचिन जी, बस हो गया। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप, संतोष जी की बेटी आपके साथ में, आपके पिता के चुनाव? एक नई ऊर्जा आई है और एक नया दम भरा है दीदी ने यहाँ आके, सब में सबको बहुत उत्साह हुआ कि वो आज यहाँ आई हैं, आज वो यहाँ आई हैं हमारे बीच में हैं, और ये सब के लिए एक ऊर्जा, सब में एक नई ऊर्जा लेकर आई हैं। वो समर्थन मिल रहा है खूब? बिल्कुल, बहुत जन समर्थन ही है, आप देखिए। क्या 10 मार्च का क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या रिजल्ट आने वाला? बिल्कुल सब कुछ भगवामय होने वाला है, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। इससे मुकाबला मान नहीं है आप? मुकाबला तो मैं क्या बोलूं, बट ये जो भी है एक तरफा है। एक तरफा है बिल्कुल, एक तरफा है कि नहीं है।